Hi everyone, welcome to Rest to IT. So my dear friends, today I am here to tell about the best state engineering exams in India. So that is West Bengal JEE. Clear? West Bengal JEE. So my dear friends, I will discuss here about West Bengal JEE 2021. So my dear friends, iska jo informations, actually jo admissions notice nikalte hai, so that is October, mid October to mid November. Is durations mein ye aapko form fill up karna hai. Abhi wo time aa gaya. So this is West Bengal JEE exams ke liye. So my dear friends, pura har ek pura state mein ye bilkul hi alag pattern hai. Iska jo system hai, examinations ka jo system hai JEE main and JEE advanced jaise nahi hai. क्लियर एम JEE एडवांस का सब तो इसका कोई कंपैरिजन्स नहीं है, लेकिन JEE मेन से थोड़ा नीचे लेवल का इसका एग्जाम्स होता है. लेकिन यहीं पे कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत ही अच्छा है, वो इंडिया का बेस्ट माना जाता है. लाइक दिस जादवपुर यूनिवर्सिटी, वहीं पे जो एवरेज पैकेज है बेटर देन IIT, यू कैन इमेजिन इट. क्लियर? सो माई डियर फ्रेंड्स, यहीं पे जो टोटल सीट है, टोटल वेस्ट बंगाल JEE में इंजीनियरिंग सीट है 32,700. आउट ऑफ 32,700, 1243 सीट इन जादवपुर यूनिवर्सिटी. सो माई डियर फ्रेंड्स, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने के लिए आपको वेस्ट बंगाल JEE का बारे में आपको पता होना चाहिए. इसका एग्जामिनेशन प्रोसीड्योर क्या है, इसके लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए. क्लियर? सो सब कुछ आज बताएंगे. सो माई डियर फ्रेंड्स, इसका जो एग्जामिनेशन प्रोसीड्योर है, क्लियर, वेस्ट बंगाल JEE एलिजिबिलिटी है, क्लास 12th में आपको क्लियर 50% मार्क्स होना चाहिए. यहीं पे जो एग्जाम्स होते हैं मैथमेटिक्स का ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं. क्लियर? मैथमेटिक्स में आपका 60% होना चाहिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए जो मिनिमम एज है 17% एंड मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है. दोज हु आर वेरी इंटरेस्टेड, क्लियर, सो टू क्लियर वेस्ट बंगाल JEE, क्लियर 5 to 6 अटेम्प्ट भी दे सकते हैं. सो माई डियर फ्रेंड्स, यहीं पे जो एग्जाम्स होते हैं क्लियर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स का ऊपर होता है, लेकिन पेपर दो बनते हैं. फर्स्ट हाफ में मैथमेटिक्स पेपर होता है, सो दैट इज 100 मार्क्स एंड टाइम 2 आवर्स का है. क्लियर? 100 मार्क्स में 75 क्वेश्चंस पूछा जाता है. क्लियर? एंड जो नेक्स्ट 1 घंटा ब्रेक का बाद जो एग्जाम्स होता है, सो दैट इज अनदर 2 आवर्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. उस पे जो क्वेश्चंस रहता है, फिजिक्स में 40 क्वेश्चंस एंड केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस का टाइप है, कैटेगरी 3 टाइप्स का है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3. क्लियर? सब ये बताएंगे अभी. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्लियर अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आपको मिनिमम ये स्कोर होगा 90 से 100, तो आपको टॉप मोस्ट जो वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो मिलने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे जो मार्क्स है, देखो मैथमेटिक्स में 75 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स है, फिजिक्स में 40 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स है एंड केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स है. क्लियर? एक पेपर होता है या ए इंडिविजुअली एक पेपर होता है. ये जो क्लियर एग्जाम्स होते हैं बेसिकली मैथमेटिक्स बेस्ड ही होते हैं. आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, सो माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन इजीली क्लियर दिस एग्जाम्स. क्लियर? यहीं पे जो पढ़ाई का खर्चा है बिल्कुल ही कम है, बहुत ही कम है. जादवपुर यूनिवर्सिटी में आप फ्री में कंप्यूटर साइंस जो CS ब्रांच पढ़ सकते हो. CS ब्रांच का जो एवरेज पैकेज है सो 20 लैक्स है. सो बेटर देन पिलानी ऑल्सो, बेटर देन क्लियर जितना बीट्स है उससे भी अच्छा है. क्लियर? इवन यू कैन कंपेयर दिस वन इज बेटर देन जो जितना न्यू IITs है उससे भी अच्छा है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इवन बेटर देन IIT ऑल्सो, टॉप मोस्ट IIT भी ऑल्सो. लेकिन यहीं पे एवरेज पैकेज क्लियर इज 20 लैक्स. क्लियर? सो 19.96 लैक्स एवरेज पैकेज है एंड मैक्सिमम जो पैकेज है सो दैट इज 53 लैक्स पर एनम है. सो माय डियर फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 3 टाइप्स का क्वेश्चंस होता है. जैसे मैथमेटिक्स का 50 क्वेश्चंस X मार्क्स का है, ठीक है, एंड सेकेंड कैटेगरी का जो क्वेश्चंस है अनदर 15 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का है, एंड जो थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चंस है सो दैट इज 10 क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स है. टोटल क्वेश्चन 75 एंड मार्क्स इज 100 है. फिजिक्स में भी 31 मार्क्स का है एंड यहीं पे 5 क्वेश्चन सेकेंड कैटेगरी का है, अनदर 5 क्वेश्चन सेकेंड कैटेगरी का है. तो यह सो थोड़ा डिफिकल्ट है. सो माय डियर फ्रेंड्स, जो कैटेगरी 1 है इस पर नेगेटिव है. क्लियर? इस पे नेगेटिव कितना मार्क्स है ना, 14 नेगेटिव है.
क्लियर, एंड इस पे हाफ मार्क्स नेगेटिव है। सो दैट मीन्स क्या, सपोज एक क्वेश्चन आपने मिस्टेक किया, क्लियर, इसमें दो मार्क्स करके है, सो दैट मीन 50% नेगेटिव होगा, और इस पे कोई नेगेटिव नहीं है। तीनों के लिए एक कैटेगरी वन, कैटेगरी टू एंड कैटेगरी थ्री, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहीं पे नेगेटिव मार्क्स मार्किंग है कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू के लिए, कैटेगरी थ्री के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर, टोटल सीट जो है, सो माई डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज 32,700 है। क्लियर, 80% फॉर स्टेट कोटा, क्लियर, 10% जो आउट ऑफ 100% में 10% फ्रॉम जेई मेन्स का एग्जाम से होता है, अनदर 10% मैनेजमेंट कोटा से होता है। क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे जो प्राइवेट कॉलेज है, जितना प्राइवेट कॉलेज है उसका जो फीस है, क्लियर, उसका पैकेज, लेकिन उसका पैकेज ज़्यादा नहीं है, उसका पैकेज 4 लाख का करीब है, लेकिन उसका फीस है नियर अबाउट 5 लाख, टोटल 5 ईयर्स का जो फीस है, क्लियर, सो दैट इज 5 लाख का आसपास है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंपेयर टू जो आसपास में कर वेस्ट बंगाल का आसपास में जितना कॉलेज है, सो जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, MP, UP जितना कॉलेज है वहीं पे पढ़ने से बेटर है आप वेस्ट बंगाल में जो प्राइवेट कॉलेज है वहीं पे जाकर पढ़ाई कीजिए, वहीं पे पढ़ाई बिल्कुल अच्छा है, नो डाउट कि क्लियर, पूरा इंडिया में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस्ट पढ़ाई वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था क्लियर वेस्ट बंगाल चाहिए है, इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिड अक्टूबर से मिड नवंबर, इसका जो लास्ट डेट होता है मिड नवंबर होता है, अभी इसका डेट निकलने का टाइम है। सो माय डियर फ्रेंड्स, टोटल सीट्स इस पे 32,700 है, इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, जेई मेन का प्रिपरेशन लो, जेई मेन का प्रिपरेशन लोगे तो ये एग्जाम आप इजीली क्लियर कर सकते हो। और जेई मेन के लिए मैंने क्या क्या बुक बताया था, फिजिक्स के लिए आपको AC वर्मा पढ़ना है, मैथमेटिक्स के लिए केमिस्ट्री के लिए NCERT एंड OP-10 P बहादुर, ठीक है, और मैथमेटिक्स के लिए बूस्टर सीरीज, मैग्नोलिया पब्लिकेशंस, नथिंग एल्स, ये काफ़ी है। क्लियर, इसमें टॉप करने के लिए, क्लियर, आप सपोज लगता है जी आप अच्छा स्टूडेंट हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप यहीं पे जाके टॉप भी कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, 90, सो दैट मीन्स क्या, 200 मार्क्स में आप 100% लेकर आओ, बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज का फीस बिल्कुल ही, ठीक है, बिल्कुल ही कम है। जैसे मैं ये क्लियर, जादवपुर यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, इसका जो फीस है फ्री में आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, क्लियर, फ्री में मीन्स क्या, सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, यहीं पे 4 साल का जो फीस है, सो दैट इज 11,000 ओनली, ठीक है, क्लियर, सो लेकिन आपको जो फीस पेड करना पड़ता है, क्लियर, फीस जो आप क्लियर करोगे, सो 2 साल का एट ए टाइम करना पड़ता है, 2 साल का फीस आप सोच लो 5,500 रुपया। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल ही फ्री है, क्लियर, वहीं पे जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद आप इनकम भी कर सकते हो 20,000 से 30,000 पर मंथ है, क्लियर, ये सबको पता नहीं है, ये सारे गार्जियंस को भी ध्यान देना चाहिए, आप अपना बच्चे को CS ब्रांच में, क्लियर, फ्री में पढ़ाना चाहते हो तो जादवपुर जाइए, ठीक है, वेस्ट बंगाल CE का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपका बच्चे को बताइए, क्लियर, ये जो वेस्ट बंगाल का आसपास जो नेबरहुड स्टेट है इन लोगों को पता है, लेकिन जो नॉर्थ का स्टेट, क्लियर, नॉर्थ व साउथ का जितना स्टेट है इन लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं है वेस्ट बंगाल CE का बारे में, जादवपुर का बारे में। सो माय डियर फ्रेंड्स, जादवपुर इज द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इसका जो ओवरऑल रैंक है 9 है, इन IFE जो रेट है, सो दैट इज 9 है, सो दिस इज द बेस्ट इन इंडिया, बेटर दैन एनी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, इवन बेटर दैन पिलानी ऑल्सो। पिलानी में जितना खर्चा है आपका 25 लाख का करीब खर्चा होगा, पैकेज पिलानी का जो पैकेज है, सो दैट इज 17 से शुरू करता है, ठीक है, लेकिन यहीं पे जो एवरेज CS का जो CS ब्रांच का जो पैकेज है, सो दैट इज 20 लाख से शुरुआत है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल GE देना है तो GE मेन का साथ साथ इसको कोई अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, GE मेन के लिए आप अच्छा से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इस पे मैथमेटिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस ही देता है, इसीलिए मैथमेटिक्स का मार्क्स 100 है एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का मार्क्स, सो दैट इज 50-50 है। इसका जो एलिजिबिलिटी है, क्लास 12 में 50% होना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में 60% होना चाहिए। ये था वेस्ट बंगाल GE
2021 के लिए इन्फॉर्मेशन। सो माई डियर फ्रेंड्स, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर फ्रेंड्स एज वेल एज ऑल सोशल मीडियाज अराउंड द वर्ल्ड है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एस टू आई डी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो। दैट्स ऑल।